दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 155 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। बता दें कि फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं अब फिल्म के आठवें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। बता दें कि आठवें दिन फिल्म ने लगभग 11 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म अब तक लगभग 166 करोड़ 5 लाख का कारोबार कर चुकी है। बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का ओवरऑल बजट 200 करोड़ है। भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म लगभग 400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। बता दें कि फिल्म को अब तक दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वेल, देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि फिल्म दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ों का कारोबार करती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF News।